45वीं कहानी स्तिफनुस और फिलिपुस। मसीह रे पहले अगुवारे बिचाई स्तिफनुस नावारो एक आदमी थो। सारे लोग तेसरो आदर करत है। पवित्र आत्मे तेसके बरी शक्ति और बुद्धि थी देयंदी। स्तिफनुस है बरी का चमत्कार किए थे। जेबी तिणीए यीशु माथे भरोसा करने रे बारे दी शिक्षा देई त बरी का लोगुए तेथा माथे विश्वास कियो। एक ही दिन स्तिफनुस यीशु रे बारे दी शिक्षा देंदे थो लागोंदो और कुछ इणे यहूदी आशे जुणिए यीशु माथे विश्वास नहीं कियो थो और तेसाइले बोलचाल करनो शुरू करी गो। से बरी रुशुई गए एतिले से धर्मारे अगुए उकाएडे और तेसरे बारे दी झूठ बोलो। तिउए बोलो स्तिफनुस मूसा और परमेश्वर रे बारे दी बुरी बुशे बोल दे सुनो। एथीले धर्मारे अगुए हुए स्तिफनुस पकड़ी गो और से महायाजक और यहूदी रे ओरी अगुए रे सामने नियो और जब झूठे गवाह आशे और तिउए स्तिफनुस रे बारे दी झूठ बोलो। महायाजक स्तिफनुस को पूछो का ये लोग तेरे बारे दी सच्ची बोल दे लगे होंदे। स्तिफनुस से महायाजक के जवाब देने ले परी का बुशियोर बोलने शुरू कियो। तिणी बोलो कि अब्राहम रे वक्त को यीशु रे वक्त जाऊं परमेश्वर इसराइल रे लोगों ले परी का नोखे काम किए ही पर लोग वे सदा परमेश्वर री नहीं सुनी थी। स्तिफनुस से बोलो तुम्हें लोग परमेश्वर ले हठीले और बुरे करने वाले ही तुम्हें सदा पवित्र आत्मा नहीं मानी जिन्हें की तुम्हारे स्याणे हुए सदा पवित्र आत्मा नहीं मानी थी और तीसरे भविष्य वक्त रोज जांगा थे पर जो तिवे कियो थो तेथरी बराबरी दी तुम्हें अजो भी बुरो कियो स तुम्हें मसीह जांगो। जे भी त्यों धर्म रे अगुए हुए सुनो तसे एति रोशुई गए कि तिवे अपने कंथु बंद करी गए और जोरे चिल्लाइयो तिवे स्तिफनुस घिशियो इलाके को बाहर नी गो और तेस जांगणले डोली आउंदे लगे। जेबी स्तिफनुस मरदे थो लागोंदो से जोरे बोल दे लगो ओ यीशु मेरी आत्मा संभाल। तबे से अपने गुंडे माथी दोनी पड़ो और तोये जोरे बोल दे लगो ओ प्रभु एजो पाप यूं माथे नहीं आने। तबे से वो मरी गो। से जे दिने यरूशलेम दी रोहिणे वाले बोरी का लोग हुए यीशु मानने वाले लोग तंग करने शुरू किए। एथीले विश्वासी लोग दूजी जगह ले भागी गए पर इथरे बावजूद भी जिये जिये भी से अडिवे तिवे यीशु रे बारे दी प्रचार कियो। फिलिपुस नावारो यीशु रो एक विश्वासी थो जिनो की ओरी बरी का विश्वासी कियो थो से भी यरूशलेम को बागी गो। से सामरिया रे इलाके दी डेई गो। ये तिणीए लोगों के यीशु रे बारे दी प्रचार कियो। बरी का लोग वे यीशु माथे विश्वास कियो और छुटकारो पाओ। एक ही दिन फिलिपुस कहे परमेश्वर री तरफा को एक स्वर्गदूत आशो और तेसले जंगला दी डेवना ले और एक बाटा दी हंडना ले बोलो। फिलिपुस तिये डेई गो। जेबी से उतिये बाटा दी हंड दे थो लागोंदो त तिणीए एक आदमी अपने रथ दी डेउंदे देखो। एव आदमी कूश देशरो एक खास आदमी थो। पवित्र आत्मे फिलिपुस ले बोलो कि डेइयो तेस आदमी आइले साथा साथा यंड। एथीले फिलिपुस रथरे नजदीक डेओ तिणीए सुनो कि से कुशी परमेश्वर रे वचन पढ़ दे थो लागोंदो जो यशाया भविष्यवक्ता रे थो लिखोंदो। तिउए से जांगणे वालो बेरी जीणो नी गो और जीणो एक गाबड़ू शांत हुआ आशा तिणी तिणीए भी एक बात नहीं गाड़ी। तिउए भी तेस आइले बुरो बर्ताव कियो और तेसरी इज्जत नहीं की। तिउए तेसरी जान नी है। फिलिपुसे तेस खुशी आदमी को पूछो जो तू पढ़ दे लागोंदो तू तेस समझावी। तिणीए जवाब देओ नहीं जे भी जाऊँ कोई मुके नहीं समझावालो ते भी जाऊँ हाँ नहीं समझी सकदो मेहरबानी करिए मुकाए आशियो बोश। यशाया इस अपने बारे दी थो लिख दे लागोंदो या
कासोरी रे बारे दी। फिलिपुस रथ माथे चढ़ियो बोशी गो तबे तिनी एते खुशी याद मिले बोलो जो यशाया भविष्य वक्त ईश्वरे बारे दी थो लिखो दो। फिलिपुस परमेश्वर वचन रो परिका ओरी हिस्से रो भी बुशे दशे लाई इणे करी तिणीए तेस आदमी के ईश्वर बारे दी खुशखबरी सुनाई। फिलिपुस और से खुशी आदमी हंड दीवार पानी कहया से तिणी खुशी आदमी बोलो देख इधर पानी ईसा का बपतिस्मो नी सकाउ और तिणी रथ रोकणाले बोलो तेबे से पानी दी डे गए और फिलिपुस तेस खुशी आदमी ले बपतिस्मा देओ। जेबी से पानी को बाहर आशे तो पवित्र आत्मा एकदम ही फिलिपुस उठाइयो केजी दूजी जगह दी नी गो। तीय फिलिपुस लोगों के ईश्वर बारे दी बोल दे था को लगी से खुशी आदमी अपने घर बिले और गाँव बड़ी गो से खुश थो कि से वाबे ईशु जाना था।